हेलो दोस्तों, मैं आपका पुष्य भैया, सभी दोस्तों को राम राम। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए। फिजिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्लास ट्वेल्थ चैप्टर 3 और 4। ठीक है दोस्तों, आज हम चैप्टर 3 और 4 के जो महत्वपूर्ण परिभाषाएँ होंगे और जो डेरिवेशन होंगे आज हम उनको बताएंगे, जो कि आप उनको टॉपिकों को क्लियर कर लेना। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होंगे वो हम उनको क्लियर कराएंगे। चैप्टर थ्री से देखिए, चैप्टर थ्री से जो इम्पोर्टेंट होंगे वो टॉपिक मैं तुमको बताऊंगा। देखिए, पहले परिभाषाएं, क्या परिभाषाएं, परिभाषाएं जो कि जो परिभाषा होंगी मैं आपको बताऊंगा और आप कॉपी पेन लेकर उनको नोट डाउन कर दे जाना, नोट कर लेना और उसके बाद उनको क्लियर कर लेना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। ठीक है, चैप्टर 3 में परिभाषा में नंबर 1 पहली परिभाषा जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है तुम्हारी वैद्युत धारा। वैद्युत धारा दोस्तों, देखिए जो वैद्युत धारा है ना, वैद्युत धारा की आपको परिभाषा, वैद्युत धारा से रिलेटेड क्या क्या आपको क्लियर करना है टॉपिक। देखो, वैद्युत धारा का मात्रक और वैद्युत धारा की विभव, जो कोई भी परिभाषा हो, परिभाषाओं में आपको मात्रक और विभव तो आपको अवश्य याद करना है। ठीक है दोस्तों, पहला टॉपिक है वैद्युत धारा, दूसरा है श्रांतिकाल। ठीक है दोस्तों, जो तीसरा टॉपिक है वो है तुम्हारा अनुगमन वेग। चौथा टॉपिक, चौथी परिभाषा। दोस्तों, मैं आपके लिए बड़ी मेहनत से इन टॉपिकों को मैंने इकट्ठा किया। ठीक है दोस्तों, बड़ी मेहनत के साथ आपके साथ लगा हुआ हूँ क्योंकि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सके, तो आप भी मेरे साथ बड़े प्रेम के साथ और अपनी मेहनत को कायम करते रहें, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट टाइम टू टाइम करते रहें। ठीक है दोस्तों, चौथा है तुम्हारा धारा घनत्व। ये सभी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा घनत्व। पांचवा है गतिशीलता। कौन सा दोस्तों? गतिशीलता। छठवां वैद्युत शक्ति। अच्छा, इसमें वो और आता है 1 किलोवाट घंटा वाला, उसको भी आप साइड से क्लियर कर लेना। और इसमें एक टॉपिक और है, किलोवाट घंटा है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको माना जाता है जो इसका मात्रा में किलोवाट घंटा का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन या टॉपिक नंबर 7, जो आपका 7वां टॉपिक है वो है परिभाषा है आपकी टर्मिनल विभवांतर। ये बहुत पूछी जाती है दोस्तों, टर्मिनल विभवांतर। कौन सी? टर्मिनल विभवांतर। जो 8वीं जो परिभाषा है वो है तुम्हारी विशिष्ट प्रतिरोध। दोस्तों, आप इनको नोट करते जाना, लिखते जाना, और आप नोट करने के बाद इनको आप याद कर लेना, इनको आप तैयार कर लेना, जो कि पेपर के लिए बहुत ही अहम रोल अदा करेगी। विशिष्ट प्रतिरोध, वैद्युत चालकता, जो 10वीं टॉपिक। इस जो चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 से रिलेटेड मोस्टली परिभाषाएं बहुत आती है दोस्तों, परिभाषाएं, उनके मात्रक और उनकी विभव, ये बहुत आता है, तो आप इनको अवश्य क्लियर कर लेना। चाहे किसी कोई मास्टरमाइंड से क्लियर कर लेना, चाहे किसी भी कोई बुक से क्लियर कर लेना, चाहे आर्यन से, राजीव से, जैसा भी हो, या कोई मास्टरमाइंड से क्लियर कर लेना, चित्रा हो, राजीव की हो, कोई भी, लेकिन इन टॉपिकों को आप क्लियर कर लेना। अच्छा, 10वां टॉपिक किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम दो, एक प्रथम और एक द्वितीय।
द्वितीय। इसमें जो किरचॉफ का प्रथम नियम तो मोस्टली अक्सर पूछा ही जाता है, सेवाई इज इक्वल टू जीरो पूछा ही जाता है। ग्यारह, ग्यारहवा टॉपिक कौन सा इंपोर्टेंट है दोस्तों, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। बारहवा जो आपका टॉपिक है वो है तुम्हारा व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु। देखिए दोस्तों इसमें यही डेरिवेशन टाइप में, और थोड़ा मान लेते हैं तो इसको किरचॉफ का द्वितीय नियम वगैरह डेरिवेशन टाइप और डेरिवेशन इसमें है रहेंगे। ये टॉपिक के जो ये चैप्टर 3 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, आप इन टॉपिकों को क्लियर जरूर कर लेना जब आप पेपर देने जाए, क्योंकि इनमें से बहुत कुछ फंसने वाला है। ठीक है दोस्तों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट थे जो मैंने आपको बताए। अब मैं बताऊंगा चैप्टर 4 से रिलेटेड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको, आप उनको भी नोट कर लेना, आप इनको भी नोट कर लेना। वीडियो को थोड़ा स्किप करके सभी पॉइंटों को आप पहले एक फेयर में वो रखने का ही लिख लेना और आप उनको क्लियर कर लेना। ठीक है दोस्तों, अब मैं चैप्टर 4 बताता हूँ, अब मैं इनको साफ करता हूँ। दोस्तों आप भी मेहनत करते जाइए, मैं भी आपके साथ लगातार मेहनत कर रहा हूँ। आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर अवश्य से करते जाएं, जिससे कि मुझे भी सहानुभूति होती है, मुझे भी आपका प्यार मिलता है। अब अगर मुझे आपका प्यार मिलेगा सहानुभूति मिलेगी तो मैं भी आगे चल के और मेहनत करूंगा आपके लिए आगे के लिए, जिससे कि आपके अच्छे नंबर आ सके। मैं भी मेहनत करूंगा, आप भी मेहनत करते जाइए, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करते जाइए, इसमें कंजूसी आप ना करें। ठीक है दोस्तों, चैप्टर 3, अब चैप्टर 4, जो जो चैप्टर 4 से इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो मैं आपको क्लियर कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों एक चैप्टर 3 में उसमें मुझे ध्यान आ रहा है थोड़ा सा, तो आप उसे सॉरी आप उसे नोट जरूर कर लेना। एक वो था संबंध था, एक संबंध था अनुगमन वेग, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध, देखिए मुझे बस उसका ध्यान आ गया, लेकिन उसमें टॉपिक में तो नहीं था, मैंने नोट तो नहीं किया था, लेकिन मुझे ध्यान आ गया क्योंकि अनुगमन वेग धारा घनत्व वीडी और जो धारा घनत्व मतलब जे इसमें। अच्छा एक और इसी अनुगमन वेग, अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध, वैद्युत धारा में संबंध, इनको भी आप नोट कर लें। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर 3 से ही दोनों, चैप्टर 3 से ही दोनों, लेकिन जो मैंने अभी उसमें जो नोट डाउन लिस्ट में ये नहीं थे, लेकिन मुझे एक्चुअली ध्यान आ गया था तो मैंने आपको उसको भी नोट करवा रखा है, आप उनको भी कर लेना। वैद्युत धारा I बराबर एन ये वीडी और ये जे, जे बराबर आई कौन है उसको आप इनको भी कर लेना। ठीक है दोस्तों, अब बताएंगे चैप्टर 4 से, चैप्टर 4 से रिलेटेड कुछ परिभाषा तथा डेरिवेशंस। ठीक है दोस्तों, चैप्टर 4, जब हम चैप्टर 4 पे आते हैं, चैप्टर 4 से रिलेटेड महत्वपूर्ण परिभाषाएं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, नंबर 1 महत्वपूर्ण परिभाषा में जब हम करते हैं तो वो करते हैं चुंबकीय क्षेत्र। पहली परिभाषा कौन सी है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, जो पहली परिभाषा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा एक है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बहुत पूछी जाती है। अच्छा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की विमा, मैंने आपको बता दिया परिभाषाओं के साथ मात्रक और विमा कंटिन्यूटी में आपको याद करने हैं। ठीक है दोस्तों, ये नहीं है आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता याद कर ली आप उसके बाद आप विमा को ना तो विमा को पढ़ रहे, चुंबकीय क्षेत्र जैसे कोई भी परिभाषा आती है तो उसका तुरंत सूत्र जो होता है, जो कोई भी सूत्र होता है उसके अकॉर्डिंग मात्र और विमाएं आप तुरंत तुरंत नोट करते जाना। ठीक है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र और फिर है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अगला जो टॉपिक आता है वो आता है लॉरेंज बल,
लॉरेंज बल्ब बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक दोस्तों। फिर आता है चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अक्सर चुंबकीय फ्लक्स की जो क्या नाम है मात्रा है ना, मात्रा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा बहुत आता है, लेकिन फिर हमें मात्रा से काम नहीं है, हमें तो पूरा टॉपिक क्लियर करना है। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स के, चुंबकीय फ्लक्स की पहले तो परिभाषा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा, चुंबकीय फ्लक्स की विमा, तीन चीज तो करनी ही करनी है हमें। ये मतलब नहीं है कि मात्र मात्र कर लिया, विमा विमा कर ली, नहीं, हमें पूरा टॉपिक परिभाषा मात्र विमा तीनों चीज, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स। अब आता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी आपको क्लियर करना है, ठीक है दोस्तों। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक है धारा मापी की धारा सुग्राहिता, धारा मापी की धारा सुग्राहिता। अगला टॉपिक है तुम्हारा धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता, वोल्टेज सुग्राहिता, ठीक है दोस्तों। अगला जो टॉपिक आता है ये तो थोड़ा सा परिभाषाओं से रिलेटेड थे, कुछ डेरिवेशन टाइप है, इनको मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है दोस्तों। आठवां ये है आपका वायु सावट कणा, वायु सावट कणा बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ बराबर आई डेल्टा एल साइन थीटा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है वायु सावट का नियम। इसको ये जो तीन पॉइंट है, तीन चार जो पॉइंट हो सो, और उनको बिल्कुल डेरिवेटिव आप क्लियर कर लेना, क्योंकि ये एक दो नंबर का नहीं है, दो तीन या पांच, तीन या चार नंबर का आता है, ठीक है दोस्तों। तो आप खाली परिभाषा से काम नहीं चलेगा दोस्तों। अगर आए गतिमान आवेश पर, गतिमान आवेश पर धारावाही चालक पर, धारावाही चालक पर बल की व्याख्या, बल की व्याख्या, ठीक है दोस्तों। दसवां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल की व्याख्या, बल की व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप कॉपी और पेन अवश्य साथ में रखें, आप इन जो ये मैं टॉपिक बता रहा हूँ इनको आप अवश्य नोट करें, और इससे बहुत ही फायदा होने वाला है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 80 से लेकर 90% इन्हीं टॉपिकों से आप परिभाषाएं या डेरिवेशन इन्हीं में से आएंगे, लिख के दे सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि इसमें मेरे चार पांच पेपर नोट डाउन किए थे। अच्छा दोस्तों, अभी जो मैंने इसकी जो पहले पार्ट, जो पार्ट वन में हमने वीडियो जो पहली डाली थी उसमें चैप्टर वन और चैप्टर टू के जो क्वेश्चंस थे वो डाल रखे हैं, तो पार्ट वन में डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा, उसमें देख लेना, ठीक है दोस्तों। और जो वीडियो सेकंड है, वीडियो दूसरी है ये फिजिक्स की, फिजिक्स की जो वीडियो पहली वीडियो डाली थी उसमें चैप्टर वन और चैप्टर टू के इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट टॉपिक मैंने डाल रखे थे, तो उसमें देख लेना। ये वीडियो दो है, वीडियो दो में चैप्टर तीन और चैप्टर चार के इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट जो टॉपिक थे वो मैं क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद पेन और जो कॉपी उसको आप तुरंत ही तुरंत पेन और कॉपी से नोट करते अवश्य जाना, क्योंकि टॉपिकों को क्लियर कर लेना। वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर, वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र
के लिए सूत्र, चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र। अगला टॉपिक जो कि लास्ट टॉपिक है शायद, बाहें चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार धारा रूप पर बल युग्म का आघूर्ण, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला मैं मतलब क्या बताऊं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने परिभाषा लिखी है चुन चुन के कई किताबों से, मैंने एक जो स्लिप सी बनाई स्लिप उसमें मैंने नोट किया, कई किताबें मैंने इकट्ठी की, कई मस्ट मैंने इंपॉर्टेंट इकट्ठी की, कुछ पेपर से इकट्ठे किए, पेपर से इकट्ठे करने के बाद में फिर मैंने इन टॉपिकों को मैंने कलेक्ट करके एक लिस्ट में लिखा है, वो जो मैंने फिर आपके सामने ही मैंने प्रस्तुत किए हैं, नोट किए, तो आप भी इनको नोट कर लेना। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 से यहाँ इससे बाहर कुछ जाएगा नहीं, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 से जो रिलेटेड है वो मैंने आपको बताए हैं, इनको आप नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो कि फिजिक्स के पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनको नोट कर लेना, अपनी मेहनत को जारी रखना और मेहनत अपनी बरकरार बनाए रखें और अपना प्यार अवश्य बांटें, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों और कमेंट तो अवश्य लिखना, और आगे आपको किस चैप्टर से रिलेटेड या किस टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ वीडियो बनानी हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।